नमस्कार, विभाग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। विभाग में आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हां, लगातार पश्चिम बंगाल में इस तरह की तस्वीरें उभरकर सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से विभाग की टीम भी मजबूर हुई और हम भी मजबूर हुए कि आप तक इन तस्वीरों की सच्चाई बताएं। जिस तरीके से ममता बनर्जी घायल हुई हैं, उसके बाद हिंसा की बात लगातार हो रही है। लगातार ये शब्द पश्चिम बंगाल की राजनीति में गूंज रहा है कि हिंसा है। अब इसी हिंसा की पड़ताल करने आज विभाग की टीम जा रही है। बने रहिए हमारे साथ और देखिए तमाम हमारी रिपोर्ट्स। विभाग की पहली रिपोर्ट, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे ममता बनर्जी की उस चोट से, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यह चोट वोट के लिए है या वोट के लिए यह चोट है। दोनों ही बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। अब ऐसे में जरा हकीकत तलाशिए, हकीकत से रूबरू होइए कि आखिर यह चोट लगी कैसे। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य में सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पैर में चोट लगने से फिलहाल घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। दीदी को ये चोट नंदीग्राम में एक मंदिर से बाहर निकलने के वक्त लगी थी, जिसके बाद टीएमसी का चुनावी घोषणा पत्र अब गुरुवार को जारी नहीं होगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी गुरुवार को ही घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन चोट लगने के बाद से कोलकाता के सरकारी SSKM अस्पताल में भर्ती हैं, जहां एक्सरे और MRI में पता चला है कि उनके पैर समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट है। फिलहाल दीदी 48 घंटे तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगी। वे ममता बनर्जी से मिलने टीएमसी नेता नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती और मदन मित्रा पहुंचे। ये बहुत ही गंदा चीज हुआ। ममता 30 साल से उसको मरने को चक्रांत तो चल रहे थे, पहले CPM करते थे उनका, बाद अभी BJP। कुछ दिन पहले हमारा मिनिस्टर को ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो भी रेलवे प्लेटफॉर्म में। उसका बाद ममता बनर्जी जैसा पॉपुलर लीडर, उसका ऊपर ऐसा कैसे हो जाए। वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 4-5 लोगों ने उन्हें जानबूझकर धक्का दे दिया, जिसकी साजिश का आरोप लगाते हुए BJP की ओर इशारा किया। पब्लिक का बात नहीं है, चार पांच और कहां का चोट लगा आपको, कहां का चोट लगा पैर में? दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की? लोकल पुलिस से कोई नहीं था, SPP नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ, शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी, शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। हाँ, वही ममता बनर्जी पर सबसे बड़ा हमला पश्चिम बंगाल के बड़े कांग्रेसी नेता और लोकसभा में पार्टी संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बोला। उन्होंने कहा कि ये सहानुभूति बटोरने के लिए सियासी पाखंड है। दीदी को लगा कि नंदीग्राम में जीतना मुश्किल है, तो उन्होंने चुनाव से पहले ये नौटंकी रची है। वो केवल मुख्यमंत्री नहीं, पुलिस मंत्री भी हैं। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि पुलिस मंत्री के साथ एक भी पुलिस नहीं थी? उस समय पुलिस कहां थे, CCTV कहां गई थी? ये सारे निकालो ना, निकालने से दूध में दूध और पानी में पानी अलग हो जाएगी, लेकिन ये वो नहीं करेगी, इसलिए कि नजदीक चुनाव आ गए हैं, दरवाजा चुनाव खटखटा रही है, वो जहां खड़ी हुई है वो चुनाव कई दिनों के अंदर वहां चुनाव होगी, तो इसलिए चुनाव होने के पहले उनको ये लगी कि स्थिति नाजुक है, तो नाजुक स्थिति होने के चलते उन्होंने एक बहाना बनाना जरूरी समझी और ये बहाना बना के आम लोगों को भावना को अपने पक्ष लाना चाहते हैं, बस यही मुद्दा है। नहीं तो बंगाल में पुलिस मंत्री होते हुए उनके साथ पुलिस नहीं रही, ये सुनने में हंसी आएगा और क्या आएगा, ये हास्यास्पद होते हैं, ये सिंपली ये रिडिकुलस है, हास्यास्पद एक मुद्दा बना दिया है, ये एक बहाना बना के चुनाव जीतने का कोशिश कर रहे हैं। वही तमाम सुरक्षा के बीच ममता बनर्जी को चोट लगने पर BJP ने भी सवाल उठाए। हमें कोई राजनीति नहीं चाहिए, ये मानवीयता का बात है, ये हृदय से देखना चाहिए, इसमें राजनीति राजनीति की जगह में है, लेकिन ये जो कल हुआ है, जो चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो बोल रहे हैं, जो हमला हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी हाई, इतना Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी है, तो कैसे ये वो सिक्योरिटी को छोड़ के ये जो आक्रमण हुआ है, कैसे हुआ है, इसका इसके लिए हम लोग हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। और हम बोलते हैं कि ये ऐसा घटना कैसे घटा,
और यहाँ यदि पश्चिम बंगाल का पुलिस, ये तो हम आज नहीं पहले से बोल रहे हैं कि इसका पूरा पूरा राजनीतिकरण हो गया है। यदि हमारे मुख्यमंत्री को भी ये सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तो हम केंद्र से इनको सुरक्षा देंगे। वहीं टीएमसी ने अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं। सबाई के विशेष करे আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইঞ্জুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসা দিয়ে আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধে হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো, তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইবে। ওই বিজেপি কে দিগ্গজ নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয় নে মমতা ব্যানার্জি পর হুয়ে কথিত হামলে পর কহা কি টিএমসি ইস মুদ্দে পর রাজনীতি কর রহি হ্যায়। হালাঁকি হামারা মাননা হ্যায় কি এসে মুদ্দো পর রাজনীতি নহীঁ হোনি চাহিয়ে। হমেঁ আশা হ্যায় কি পশ্চিম বঙ্গাল মে চুনাবি হিংসা কো নিয়ন্ত্রিত করনে কে লিয়ে চুনাব আয়োগ পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বল ভেজেগা। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इसके साथ ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ममता बनर्जी राकेश टिकैत बनने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि वो थोड़े बहुत आंसू बहाकर जनता की सहानुभूति बटोर लेना चाहती हैं। लेकिन ममता बनर्जी का बंगाल में काम तमाम हो चुका है, उनको कोई ऐसी चोट नहीं लगी है जिसका वो इतना प्रचार प्रसार कर रही हैं। अब ऐसा है, ममता बनर्जी राकेश टिकैत बनना चाहती, वो चाहती है कि थोड़े बहुत आंसू बहाकर वो लोगों की सहानुभूति बटोर ले। लेकिन ममता बनर्जी का तो बंगाल में काम तमाम हो चुका, उनको कोई ऐसी चोट नहीं लगी है जिसका कि वो इतना प्रचार प्रसार कर रही है। तो भाई दूसरी तरफ नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत दी है। इस दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, राज्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य और पार्थ चटर्जी मौजूद रहे। वहीं ममता बनर्जी ने अस्पताल से ही ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही प्रचार प्रसार में भी जुट जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि चाहे उन्हें व्हील चेयर पर ही प्रचार क्यों ना करना पड़े, वो जरूर करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पश्चिम बंगाल की राजनीति और हिंसा, इन दोनों का चोली दामन का साथ रहा है। इतिहास पलट करके आज बेबाक की टीम ने देखा तो जब जब इलेक्शन हुए हैं, जिसका जिसका भी शासनकाल पश्चिम बंगाल में रहा है, वहां हिंसा की तस्वीर उभर कर सामने आई ही आई है। जरा देखिए सिलसिलेवार ढंग से, चाहे सत्ता किसी की भी रही हो, सत्ता में कोई भी हो, विपक्ष में कोई भी हो, हिंसा जरूर हुई। पश्चिम बंगाल की धरती रक्त रंजित जरूर हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा होना आम बात है, क्योंकि जब भी बंगाल में चुनाव होते हैं तो हिंसा को लेकर सवाल उठने लगते हैं। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल में हिंसा का इतिहास नया नहीं बल्कि पुराना है, क्योंकि दशकों से पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का रक्त रंजित इतिहास रहा है। राज्य में राजनीतिक हिंसा की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब बंगाल में राजनीतिक हिंसा के पीछे 3 बड़ी वजह थी। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, विधि शासन पर सत्ताधारी दल का वर्चस्व और इसके अलावा दीदी के गढ़ में बीजेपी का उभरना। पश्चिम बंगाल में 1977 से 2007 तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार सत्ता में रही।
इस दौरान 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई। सिंगूर और नंदीग्राम का आंदोलन भी वाम हिंसा का एक नमूना माना जाता है। वहीं ढेरों घटनाएं ऐसी भी हैं जो कभी दर्ज ही नहीं हुई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान 15 राजनीतिक हत्याएं हुई। प्रदेश भर में राजनीतिक हिंसा की 1,100 घटनाएं पुलिस ने दर्ज की। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2013 से लेकर मई 2014 के काल में पश्चिम बंगाल में 23 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई। वहीं आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 में बंगाल में राजनीतिक कारणों से 91 घटनाएं हुई, जिसमें 205 लोगों की मौत हुई। साल 2015 में कुल 131 वारदात हुई थी, जिसमें 184 लोगों की मौत हुई थी। ममता बनर्जी के सत्ता संभालने के दो साल के बाद 2013 में भी बंगाल में राजनीतिक वजहों से 26 लोगों की हत्या हुई थी और यह हिंसा देश के किसी भी राज्य से कहीं ज्यादा थी। वहीं 2018 में सिर्फ और सिर्फ पंचायत के चुनाव हुए तो एक दिन में 18 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसे लेकर बीजेपी ने दावा किया था कि चुनाव के दौरान पार्टी के 52 कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी ने कराई, जबकि टीएमसी ने दावा किया था कि उसके 14 कार्यकर्ता मारे गए थे। वहीं बंगाल में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा में 12 से ज्यादा लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल में हर चरणों के मतदान में लगातार हिंसा देखने को मिली थी। वहीं राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस राज्य में सरकार अपनी पार्टी के कैडरों को संरक्षण देने के लिए सीधे प्रशासन में हस्तक्षेप करती है, जिससे यहाँ कानून पिछड़ जाता है और ऐसे में सत्तासीन पार्टी के कार्यकर्ता पंचायत से लेकर राज्य स्तर के ठेकों पर अपना कब्जा जमाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दूसरे दल के लोगों को दबा कर रखा जा सके। वहीं सत्ता में आने से पहले ममता बनर्जी लेफ्ट पर हिंसा का आरोप लगाती रही थी। उसी हिंसा और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और सत्ता में आई। अब ममता के राज में हिंसा का आरोप लग रहा है। इस बार यह आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के 10 साल के राज में उसके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अब सवाल यह उठता है कि जब भी इस तरह की हिंसक घटनाएं घटती हैं तो उसका फायदा किसे मिलता है, उसे जिस पर हिंसा हुई है या वो जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसा करने में हाथ रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा और राजनीतिक हत्याएं आम बात है, लेकिन ऐसे में एक अहम सवाल है कि बंगाल में चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा का फायदा किस पार्टी को होता है। बंगाल में वैसे तो हिंसा का फायदा सत्ताधारी पार्टियों को होता रहा है, लेकिन क्या ये वाक्या फिर से दोहराएगा? खैर, बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनावी अखाड़े में असल मुकाबला बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बीच है। बेशक इन दोनों के अलावा भी दूसरी पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन उनकी भूमिका इस चुनाव में खास नहीं रह गई। चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य में हिंसा का दौर भी शुरू हुआ। बंगाल में चुनाव के दौरान खूनी संघर्ष का इतिहास काफी लंबा रहा है। लगभग हर चुनाव में यहां पर हिंसा हुई और कई लोगों की मौतें भी, और बंगाल में सत्ताधारी कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं रही है। सभी की पृष्ठभूमि इससे होकर ही गुजरती है, यहां तक कि टीएमसी भी इससे अलग नहीं रह सकी। पश्चिम बंगाल में हिंसा की शुरुआत कांग्रेस की सरकार से हुई थी, जिसके बाद सीपीआईएम ने इसको नए आयाम दिए और अपने स्थानीय कैडर को इससे जोड़कर एक संगठित आर्मी की तरह इस्तेमाल किया और सत्ता पर काबिज हुई। पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में इस पार्टी ने इस विकल्प का जमकर इस्तेमाल किया। वही ममता बनर्जी इससे वाकिफ थी कि कांग्रेस में रहते हुए वो सीपीआईएम से नहीं लड़ सकती, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और लोगों को साथ जोड़ा। इसी दौरान सीपीआईएम के काफी लोग टीएमसी से जुड़े और सत्ता पाने के बाद भी जो चुनावी हिंसा सीपीआईएम के दौर में हुआ करती थी वो टीएमसी के दौर में भी हुई, जिसे ममता ने रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि इससे उनकी सत्ता पर पकड़ में कहीं ना कहीं मदद मिल रही थी। फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव में भी हिंसा के खत्म होने की बात नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें कमी जरूर आएगी। इसकी वजह है चुनाव केंद्र की देखरेख में होगा और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी केंद्र की होगी, लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्या इस बार टीएमसी की सत्ता बंगाल में पलटेगी या फिर तृणमूल कांग्रेस फिर से हैट्रिक लगाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पश्चिम बंगाल को वैसे उसकी सभ्यता और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। ये कहा भी जाता है कि बंगाली भाषा जो है वो अपने आप में बहुत ही मीठी है, वहां के लोग बहुत ही सभ्य हैं। तो फिर आखिर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर और उसके दामन पर ये हिंसा के छींटे क्यों हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान सियासी जंग के नए आयाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग के दौरान सियासी खून खराबा बहाना आम बात है, जिसका इतिहास भी पुराना है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये सब 2019 में शुरू हुआ था, और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का कहना है कि इसकी शुरुआत 2016 में उस वक्त हुई थी जब बीजेपी ने उसके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना शुरू किया था। खैर, ये तो दावा है जो कोई भी कर सकता है। वैसे कहा यह भी जाता है कि कांग्रेस के जमाने में ये सब शुरू हुआ था, जिसके बाद वामपंथी दल भी इस खेल के उस्ताद बन गए थे। टीएमसी ने वोट हासिल करने के लिए इन सब का पुरजोर तरीके से विरोध किया था, लेकिन आखिर में टीएमसी भी इस दलदल में उतर गई। ऐसे में सवाल ये है कि बंगाल के लिए अपने मिशन 2021 में क्या बीजेपी इस राह से दूर रह सकती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। आरोप लगा कि पथराव टीएमसी के लोगों ने किया। देश भर में इसकी चर्चा हुई, लेकिन बंगालियों के लिए ये शायद चुनावी जोर आजमाइश की सामान्य घटना रही हो। वहीं बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसे में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। टीएमसी दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी के निशाने पर है। अमित शाह ने 15 मई 2019 को कहा था कि कोलकाता में मेरे काफिले पर टीएमसी की ओर से हमला किया गया था। बीजेपी का दावा है कि 2019 के चुनाव से अब तक राज्य में उसके 137 कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है। वहीं टीएमसी का कहना है कि इससे भी ज्यादा उसके कार्यकर्ताओं की जान गई है, और बीजेपी झूठे आंकड़े गिना रही है। ऐसे में बीजेपी का मानना है कि हिंसा के लिए दीदी और उनकी पार्टी को जिम्मेदार ठहराने से उसे चुनावी फायदा होगा, लेकिन यहाँ खून खराबे का खेल तो उतना ही पुराना है जितना कि ये राज्य। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अब इन तमाम चीजों से इतर मौजूदा राजनीति की बात की जाए तो सवाल ये उठने लगा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि से, उसके हस्तक्षेप से, भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के पश्चिम बंगाल में आक्रामकता से क्या दीदी घबरा गई हैं, और इस वजह से लगातार कुछ ना कुछ इस तरीके की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं जो ये कह रही है कि क्या टीएमसी नाखुश है या डरी हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, लेकिन बीजेपी ने बंगाल में अपनी जमीन तलाशनी साल भर पहले ही शुरू कर दी थी, जिसका फायदा बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला भी, और अब यही वजह है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव परिणाम से इतनी डरी हुई है कि वो बीजेपी के हर एक कदम को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की राजनीति को पलट कर रख दिया था, और केंद्र की सत्ता पर काबिज भगवा दल ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें जीतकर विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी थी। तब से मुख्यमंत्री और टीएमसी के मुखिया ममता बनर्जी काफी चौकन्ना हो चली है। ऐसे में राजनीति के जानकारों का मानना है कि दीदी ने प्रदेश में बीजेपी की बढ़ती पैठ से घबराकर ही नरम हिंदुत्व का आसरा ले लिया है, क्योंकि ममता सरकार ने 8,000 ब्राह्मण पुजारियों को 1,000 रुपए मासिक भत्ता और मुफ्त आवास देने की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि ममता के हिंदू विरोधी और मुस्लिम समर्थक होने की छवि मजबूत हो रही थी, जिस वजह से उन्हें ब्राह्मण पुजारियों की शरण में जाना पड़ा। इससे पहले 2012 में टीएमसी ने मस्जिदों के इमामों को हर महीने 2,500 रुपए और मुअज्जिनों को 1,500 रुपए के मासिक भत्ता देने का ऐलान किया था। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनाम बीजेपी के बीच लगातार जोर पकड़ रही टकराव के बीच लोकसभा चुनाव के नतीजों में छिपे आंकड़े ही हैं। वहीं चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में
बीजेपी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई। वहीं बात विधानसभा सीटों की करें तो पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव के मुताबिक टीएमसी को 211, लेफ्ट को 33, कांग्रेस को 44 और बीजेपी को महज 3 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, क्योंकि इन चुनाव में टीएमसी वोट शेयर 43.3% था, तो वहीं बीजेपी का वोट शेयर 40.3% था। बहरहाल पश्चिम बंगाल में दीदी के सामने नई चुनौती भगवा लहर को थामने की है, तो बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा में सामने आए वोटों के अंतर को पाटने के पीछे जी जान से जुट गई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव हो जाने तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी का यह दंगल लगातार सामने आते रहने की संभावना प्रबल है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। इसी के साथ विभाग में आज के लिए बस इतना ही, कल कुछ और अहम मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।